बैक माय चैनल प्रीति राजवंशी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप करते हो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 10 और आज है संडे। हम सभी उठ चुके हैं, आज स्कूल नहीं है तो आज हम लेट उठे हैं। अभी जस्ट लड़का भी उठ गया है, नाश्ता भी मैं बनाऊंगी। और फ्रेंड, मेरा गला, सुबह जब मैं उठी तो मेरा गला एकदम आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। अभी मैंने गरम पानी और नमक डाल के थोड़ा गरारे करे, उसके बाद अभी थोड़ा सा आवाज़ निकल रहा है मेरा। और आपको दिखा देती हूँ कि अभी मैंने पानी उबालने के लिए रखा है जिससे मैं स्टीम लूँगी। ये देखिए पानी, ये देखिए पानी उबाल रही हूँ मैं, इससे मैं भाप लूँगी। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो बाहर देखिए मौसम, सुबह सुबह आज बारिश शुरू हो गया है। कल हुआ था लेकिन कल दोपहर को हुआ था और थोड़ी देर में बंद हो गया था, आज सुबह से ही चल रही है। आपको दिखाते हैं, देखिए इस पौधे में फूल आए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं, बारिश तेज नहीं हो रही है लेकिन धीरे धीरे हो ही रही है। देखिए ऐसे मौसम बहुत ख़राब होता है गाइस, आपका तबीयत बहुत ख़राब कर देता है, ना ठंडा ना गर्मी, कभी बारिश। तो चलिए अभी पानी उबल चुका है, भाप ले लेते हैं, थोड़ा आराम मिलेगा। ये हम डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा फिर ऐसे खुला ही ले लेते हैं, अभी भी भाप आ रहा है। तो फ्रेंड्स देख ही सकते हैं पूरा चेहरे का ऐसा लग रहा है, फेशियल भी हो गया, भाप से फेशियल भी हो जाता है। यह है जुगाड़, इंडियन जुगाड़। बेलन अपनी जगह रख दे नहीं तो तेरे सर पे पड़ेगा। बाप तो ये तो फ्रेंड्स ब्रश हो गया हमारा, अब ब्रश करके हम पानी पीते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। कितनी छोटी हो। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कंप्लेन नहीं खिलाया ना, मैं अभी तक खा रहा हूँ। तो अभी तक पी रहा है ये भैया, मेरा तो पूरा भगोना भर। ये क्या है मम्मी? गरम पानी पियो, गला खराब है ना। जाना लिया। अच्छा मम्मी मैं आ गया। क्या लाया है? कोलगेट लाया हूँ जो तुमने बोला नहीं था, टंग क्लीनर लाया जो तुमने बोला नहीं था। ये कैसा बर्गर लाया? मीठा बर्गर, मीठा कहीं नहीं मिल रहा। तुमने जो लाया था कहाँ से लाया थे? वो पापा लाया था। और पता नहीं कहाँ से लाया वो, पता। फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ काढ़ा, देखिए इसमें मैंने पानी और 10-15 तुलसी पत्ता डाल दिया है। मैं क्या क्या डाल रही हूँ देखिए, खूब सारा अदरक लेंगे जो इससे हमारा गला खराब है उसमें बहुत फायदा होता है, अदरक बहुत गर्म होता है। उसमें लिया है थोड़ा सा हल्दी और ये है दालचीनी और ये एक मैंने मोटी इलायची लिया है और ये लौंग। लौंग अगर किसी को कफ है तो ये लौंग कफ को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, तो लौंग मैंने ले लिया देखिए बहुत सारा। और मैंने लिया है अजवाइन और काली मिर्च मैंने ले लिया पीसी वाली, पीसी साबुत डालोगे तो इतना असर नहीं करता लेकिन काली मिर्च है ना बहुत अच्छा होता है। ये भी मैं थोड़ी सी बारिश में भीग गई थी जिसके वजह से मेरा गला खराब हो गया 2-3 दिन से, तो मैंने सोचा कि मैं आज काढ़ा बना के पीऊंगी।
तो आई होप काढ़ा से ठीक हो जाऊं मैं। तो डाल देते हैं ये सब पानी, मेरी उबल चुकी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स प्याज काट लिया गोल गोल करके, और मैंने लिया है टमाटर गोल गोल काट लिया है, और साथ में काली मिर्च, हल्की सी लाल मिर्च और नमक। और ये मेरा चार बर्गर बनाऊंगी, तो चार अंडा सिंगल हाफ फ्राई कर लिया है, और उसके लिए लगेंगे ये मेयोनीज और केचप सॉस। सबसे पहले मैंने ले लिए दो बर्गर, अब इनको मैं बीच में से काट लूंगी। बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से काट सकते हैं। पूरी बर्गर में हमारा वो मेयोनीज सॉस का टेस्ट पूरे में मिले। तो हो गया, लग गया। अब हम लेंगे अंडा, तो डाल लेते हैं, गरम बहुत है। अंडा गोल गोल पसंद है तो आप गोल गोल डाल सकते हैं, मैं कैसे डाल सकती, ज्यादा प्याज भी फिर अच्छा नहीं लगता। और बीच में एक डालोगे तो आप आपको पूरे बर्गर में टेस्ट नहीं आएगा। एक हो गया, अब इसमें जिनको तीखा पसंद नहीं है वो ना डालें, हमें थोड़ा सा पसंद है। अब हो गया, ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे, तो अंडे हम हटा लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा गैस में सेक लेंगे। ये गिरता रहता है इसलिए मैं पहले ही सेक लेती हूँ। तो काढ़ा को हटा देते हैं नीचे, और गैस को कर लेते हैं ऑन। ऐसे खाएंगे, आज काटेंगे लोग। थोड़ा सा सॉस और लाते देते हैं। तो हमारा बर्गर हो गया है। तो बर्गर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए आप लोग कि हाँ अच्छा लगा। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए रोज रोज लाते रहेंगे। तो चलिए अभी बेटे को बोल देते हैं खाने के लिए, आ जा रहे निर्मल। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं काढ़ा लेके, और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पीला पीला इसलिए हो गया, इसमें हमने हल्दी डाला है। तो और ये रही मेरी बर्गर, पता नहीं दो खा पाऊंगी कि नहीं, शायद एक ही खा पाऊंगी। तो
देखते कितना खा पाते। तो आप लोगों ने बर्गर कैसे बनाते वो भी हम बता दिया आप लोगों को। आई होप आप लोग सीख लिए होंगे। जिनको आता है वो तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है तो ये बहुत ही झटपट से बन जाता है और थोड़ा अलग भी बनता है। तो चलिए अभी नाश्ता कर लेते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल में नई है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।